किसी भी फोटो का बैकग्राउंड एक क्लिक में कैसे रिमूव कर सकते हैं, एंड मैं remove.vj के बारे में नहीं बताऊंगा क्योंकि यार वो बिल्कुल ही बकवास वेबसाइट है, क्वालिटी बिल्कुल कम कर देता है, बिल्कुल खराब कर देता है। अच्छा चाहिए तो यार पैसा देना पड़ता है उसको, ठीक है, क्यों दे जब हमारे पास फ्री है। तो आपको क्या करना, ऊपर क्लिक कर देना होगा एंड यहाँ पे इसका जो वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगा। जब आप इसमें फर्स्ट टाइम कुछ भी एडिट करोगे ना, फोटो का बैकग्राउंड रिमूव करोगे, तो ये लॉगिन करने को बोलेगा। तो आप अपने गूगल से लॉगिन कर लेना, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे अपलोड योर फोटो के ऊपर आपको टैप करना है, स्टे ऑन वेब के ऊपर टैप करना है। देन यहाँ पे आपको अपलोड इमेज का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना होगा। देन आपको ब्राउजर पे क्लिक करना एंड यहाँ पे आपके सारे मीन्स इमेजेस दिखा दिए जाएंगे। जो इमेज का बैकग्राउंड आपको रिमूव करना है उस वाले इमेज को जस्ट यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना होगा। तो मैं एक यहाँ पे इमेज ले लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे इस वाले इमेज को पिक कर लेता हूँ। देन उसके बाद इसके मीन्स आपको क्या करना है, अपने फोटो के ऊपर जस्ट सिंपली सा टैप करना है, ठीक है। इस वाले फोटो को हम सेलेक्ट करते हैं, फोटो के ऊपर हमने टैप किया। अब यहाँ पे हमें थोड़ा सा वेट करना होगा, थोड़ा सा वेट करने के बाद इसका जो बैकग्राउंड होगा वो रिमूव करके दे दिया जाएगा एंड ओरिजिनल क्वालिटी में रहेगा। ऐसा नहीं कि यार क्वालिटी कम कर दिया जाएगा, ठीक है। आप इसे सिंपली से डाउनलोड करो, तो मैं यहाँ पे डाउनलोड करता हूँ। डिटेल में जाते हैं एंड यहाँ देख सकते हो हमारा ओरिजिनल जो क्वालिटी था वही है, मीन्स डिक्रीज नहीं किया गया और इसका बैकग्राउंड भी देख सकते हो रिमूव कर दिया गया। ओके, सो इस तरीके से करके आप बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हो। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।